हेलो फ्रेंड्स, आप यह देख रहे हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चंस का पार्ट 3, जो कि दिसंबर 2019 में आपके नेट एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव साउंड नॉलेज अबाउट। जो कुशल टीचर होता है उसकी अच्छी नॉलेज होती है अबाउट, यानी किस बारे में। ऑप्शन ए प्रैक्टिस कंसेप्ट थ्योरी एंड रिसर्च के बारे में, ऑप्शन बी थ्योरी रिसर्च प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट थ्योरी प्रैक्टिस एंड रिसर्चेस के बारे में, ऑप्शन डी रिसर्च प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर एक है, उसी को घुमा फिरा के पूछा गया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कंसेप्ट थ्योरी प्रैक्टिस एंड रिसर्च। याद रखना फ्रेंड्स, किसी भी टीचर को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते टाइम पहले कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है, उसके बाद उसकी थ्योरी जो है, उसके बाद थ्योरी को कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसके ऊपर काम करना है, वो प्रैक्टिस कहलाती है, और उसके बाद उस पर रिसर्च की जाती है। तो एक कॉम्पिटेंट टीचर होता है उसको कंसेप्ट थ्योरी प्रैक्टिस और रिसर्च, इन चारों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और उसको नॉलेज होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑडियो विजुअल एड इज सिंपल, इजी टू यूज एंड नॉट एक्सपेंसिव। कौन सी ऐसी ऑडियो विजुअल एड है जो सिंपल है, इजी है और ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ऑप्शन ए स्लाइड्स, बी कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD, सी ट्रांसपेरेंसीज, डी कैसेट्स। तो फ्रेंड्स, जो ऑडियो विजुअल एड, इसमें बोला गया है जो ऑडियो भी है और विजुअल भी है, इसी से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ फ्रेंड्स। ये है ट्रांसपेरेंसीज। जो ट्रांसपेरेंसीज होती है उसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं वो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इसलिए इसको ऑडियो विजुअल एड्स जो है बोलते हैं। आजकल फ्रेंड्स ये यूज़ में नहीं ली जाती, ये पहले यूज़ में होती थी टीचिंग के दौरान, अभी इसका यूज़ नहीं होता। लेकिन ये जो ऐसी एड है जिसको देखना और सुनना दोनों इसके अंदर पॉसिबल है और यूज करने में भी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज मोस्ट डिजायरेबल, कौन सी चीज है जो ज्यादा डिजायरेबल है। ऑप्शन ए द टीचर शुड मेक गुड यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, टीचर ब्लैक बोर्ड का अच्छे से यूज करे। ऑप्शन बी द टीचर शुड स्पीक क्लियरली एंड लाउडली, टीचर जो है अच्छे से स्पष्ट रूप से और ऊंचा बोले। ऑप्शन सी द टीचर शुड नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू मेक नॉइज इन द क्लास, टीचर स्टूडेंट को क्लास में शोर मचाने के लिए अलाउ ना करें। ऑप्शन डी द टीचर शुड एक्सप्लेन एज सिंपली एज पॉसिबल, टीचर को इतना आसानी से एक्सप्लेन करना चाहिए, समझाना चाहिए जितना हो सके। डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है उसको आसानी से आसान तरीके से समझाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा डिजायरेबल चीज़ होती है कि टीचर को स्टूडेंट को क्लास में नॉइज नहीं करने देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रेजेंट एन इफेक्टिव लेक्चर, इफेक्टिव लेक्चर प्रेजेंट करने के लिए टीचर की जो वॉइस होती है वो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए ब्लेरिंग बोल्ड हार्ड एंड कमांडिंग, ऑप्शन बी रिजिड कमांडिंग एंड हार्ड एंड बोल्ड, ऑप्शन सी क्लियर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सीबल एंड सॉफ्ट, ऑप्शन डी क्लियर कमांडिंग बोल्ड एंड सॉफ्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर, कि जो टीचर होता है जब एक लेक्चर डिलीवर करता है तो उसकी वॉइस जो है स्पष्ट होनी चाहिए, स्ट्रोंग होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए और सॉफ्ट भी जो है होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली रबिंग हिज आईज, और एक अगर एक स्टूडेंट लगातार अपनी आंखें रगड़ रहा है एंड इज इंटेंटिव ड्यूरिंग ब्लैक बोर्ड वर्क, और ब्लैक बोर्ड पे जब काम करवाते हैं तो ज्यादा ध्यान नहीं पे कर पा रहा है, ही इज हैविंग, उसको क्या हो सकता है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, या हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, ऑल ऑफ द अबो। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है एक टीचर को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, एक टीचर को ऐसे बच्चों की केयर भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हम एज ए टीचर बस सिर्फ क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो उस बच्चे की क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये हमें बताना है। तो उस बच्चे की विजुअल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर वो बार बार अपनी आईज को रगड़ता है ब्लैक बोर्ड पे, आईज के कारण ही वो अपना ध्यान नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए उसको क्या होगी, विजुअल प्रॉब्लम। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फेलियर ऑफ द टीचर टू कम्युनिकेट हिज आइडियल्स वेल टू द स्टूडेंट्स इन द रिजल्ट इन टू एक टीचर का जो फेलियर होता है कम्युनिकेट करने का और एक टीचर उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है. ऑप्शन ए क्लासरूम इनडिसिप्लिन, क्लासरूम के अंदर अनुशासनहीनता होती है. बी लॉस ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट इन द टॉपिक बीइंग टॉट, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक पढ़ा जाता है उसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं होता. ऑप्शन सी इंक्रीज्ड नंबर ऑफ अब्सेंटीज इन द क्लास, क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अब्सेंटी हो जाते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं वो क्लास मिस करने लग जाते हैं. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दी अबो. अगर एक टीचर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है अपने आइडियाज़ को तो स्टूडेंट का जो रिजल्ट होता है वो यही होता है कि क्लास में अनुशासनहीनता भी फैलेगी और स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी लूज होगा और साथ ही नंबर ऑफ जो अब्सेंटी है वो बढ़ जाएंगे. तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम इज, जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है किसी भी क्लासरूम में वो होता है. ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल, ऑप्शन सी डायरेक्शनल, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंशियल. करेक्ट आंसर है हमारा रेसिप्रोकल यानी कि टू वे जो कम्युनिकेशन होता है वो क्लास के अंदर बहुत ही अच्छा होता है. स्टूडेंट्स लर्न मोर फ्रॉम ए टीचर, स्टूडेंट सबसे ज्यादा सीखते टीचर से हु इज कौन सा. ऑप्शन ए अफेक्शनेट, ज्यादा स्नेही हो. बी वन हु कम्युनिकेट हिज आइडियाज प्रेसिसली एंड क्लियरली, जो अपने आइडियाज को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हो. ऑप्शन सी जेंटल हो, ऑप्शन डी हार्ड वर्किंग हो. तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. एक स्टूडेंट ज्यादा लर्न कब कर पाता है अपने टीचर से, जब वह टीचर अपने आइडियाज को अच्छे से क्लियर रूप से जो है कम्युनिकेट करता हो या अपने आइडियाज को इम्पार्ट करता हो तभी एक स्टूडेंट ज्यादा सीख पाता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज फंक्शन ऑफ, जो इफेक्टिव टीचिंग होती है बाय एंड लार्ज वो फंक्शन है किसका. ये कहावत है फ्रेंड्स देखो, ए टीचर्स स्कॉलरशिप, बी टीचर्स ऑनेस्टी, सी टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर्स लाइकिंग फॉर द जॉब ऑफ टीचिंग. तो इसका करेक्ट आंसर है टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड. जो इफेक्टिव टीचिंग होती है बाय एंड लार्ज कब होती है यानी कि इसका बाय एंड लार्ज जो कार्य होता है वो कब होता है, टीचर मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, कि टीचर स्टूडेंट को इस योग्य बनाए कि वो अच्छे से समझें और लर्न करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इफेक्टिव टीचर मस्ट बी, एक अच्छा टीचर होना चाहिए. ऑप्शन ए पार्टिसिपेटिव एंड रिसोर्सफुल होना चाहिए, बी रिसोर्सफुल और एटोक्रेटिक होना चाहिए, सी ऑथोरेटिव एंड रिसोर्सफुल होना चाहिए, डी रिसोर्सफुल एंड डोमिनियंट होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर है हमारा पार्टिसिपेटिव हो और रिसोर्सफुल टीचर हो, वही टीचर क्या होता है इफेक्टिव टीचर होता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशनल लेवल, टीचर का जो रोल होता है हायर एजुकेशन के लेवल में वो होता है. ऑप्शन ए प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, उपलब्ध करवाना. बी प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देना. सी इनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के अंदर हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है इनकरेज करना, बढ़ावा देना. डी हेल्प स्टूडेंट सोल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम, स्टूडेंट की हेल्प करना ताकि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है यार कि हायर लेवल पे, यहाँ पे क्या लेवल दिया गया, हायर लेवल, हायर लेवल, हायर जो लेवल होता है एजुकेशन का उसके अंदर एक टीचर का जो रोल होता है स्टूडेंट के अंदर सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. सपोज द टीचर्स आर बिजी इन क्रैकिंग फिल्थी जोक्स एंड यू आर ऑल्सो देयर बट यू आर अनेबल टू स्टॉप देम, यू शुड, जो टीचर है वो जोक मारने के अंदर या भद्दी बातें कहने में ही बिजी हैं और आप भी वहां पे बैठे हैं तो उस टाइम पे आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए. ऑप्शन ए शूट देम डिसेंटली नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन फिल्थी जोक्स, उनको संदेश देना चाहिए या उनको उपदेश देना चाहिए कि इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे जोक्स के अंदर अपना टाइम वेस्ट मत करो. ऑप्शन बी लाइव इन आइसोलेशन और चेंज द ग्रुप, उनको छोड़ करके आपको कहीं चले जाना चाहिए या ग्रुप को बदल देना चाहिए. ऑप्शन सी इंस्ट्रक्ट देम टू माइंड देयर लैंग्वेज, उनको कहना चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करें व्हाइल पासिंग लेजर टाइम, जब वो अपने ऐसे टाइम को व्यतीत कर रहे हैं. ऑप्शन डी
बी क्रिटिकल एंड रिमाइंड देम फॉर द नोबेलिटी ऑफ देयर जॉब्स. आपको क्रिटिकल बनना चाहिए और उनको याद दिलवाना चाहिए उनकी जॉब की जो नोबेलिटी है उसको. तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है. उनको जो है उपदेश देना चाहिए कि वो ऐसे टाइम चीज़ों के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरेक्ट. कौन सी जो चीज़ है ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करती है लर्नर को इंटरेक्ट करने के लिए. ऑप्शन ए स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, बी यूज ऑफ फिल्म प्रोजेक्टर, सी व्यूइंग कंट्री साइड क्लासरूम प्रोग्राम ऑन टीवी, डी लेक्चर बाय एक्सपर्ट. तो फ्रेंड्स जो चीज़ें होती है जो ज़्यादा लर्नर को फ्रीडम देती है सीखने के लिए इंटरेक्ट करने के लिए वो होती है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन. उसके अंदर लर्नर जो है अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच इज़ द लिस्ट इम्पोर्टेंट इन टीचिंग. टीचिंग के अंदर कम इम्पोर्टेंट क्या है. ऑप्शन ए पनिशिंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट को पनिश करना दंड देना. बी मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास के अंदर डिसिप्लिन या अनुशासन को मेंटेन करके रखना. ऑप्शन सी लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे, इम्प्रेसिव वे के अंदर लेक्चर देना. डी ड्रॉइंग स्केचेस एंड डायग्राम ऑन द ब्लैक बोर्ड इफ नीडेड. ब्लैक बोर्ड के ऊपर डायग्राम और स्केच ड्रा करना जब जरूरत हो. तो लिस्ट इम्पोर्टेंट जो टीचिंग के अंदर होती है वो होती है पनिशिंग द स्टूडेंट. स्टूडेंट को पनिश करना वो बहुत कम जरूरी होता है. बाकी सारी चीज़ें क्लासेस के अंदर जरूरी होती हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए गुड टीचर शुड हैव. एक अच्छे टीचर को कैसा होना चाहिए. ऑप्शन ए उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए. बी इंटरपर्सनल स्किल उसके अच्छे होने चाहिए. सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. डी ऑल ऑफ दी अबो. तो फ्रेंड्स एक अच्छा टीचर जो होता है उसके अंदर ये सारी की सारी एबिलिटी होनी चाहिए. तो ऑल ऑफ दी अबो जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.